भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पांचवा एवं अंतिम T20I मुकाबला भी टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। न्यूजीलैंड को 7 रनों से पटखनी दे दी है टीम इंडिया ने। आपको बता दें कि आज भारतीय टीम ने 164 रनों का लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने रखा था, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और एक बार फिर चौक कर गई। इससे पहले टीम इंडिया के आज के कार्यवाहक कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। विराट कोहली आज आराम कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम ने ये जीत दर्ज की, आज भारतीय गेंदबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक समय भारत ऐसा लग रहा था कि 180 से 190 का स्कोर खड़ा करेगा स्कोरबोर्ड पर, जब केएल राहुल और रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा 60 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए, 41 गेंदों में उन्होंने 60 रनों की पारी खेली। वहीं केएल राहुल 33 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुए, 2 छक्के और 4 चौके उन्होंने जड़े। रोहित शर्मा ने अपनी पारी में 3 चौके 3 छक्के जड़े। श्रेयस अय्यर 31 गेंदों में 33 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन फिनिशिंग टच दिया मनीष पांडे ने, जिन्होंने 4 गेंदों में 11 रन बनाए 1 छक्का 1 चौके की मदद से। वहीं आज न्यूजीलैंड की गेंदबाजी पूरी फीकी नजर आई। बड़ी बात यह रही कि न्यूजीलैंड जब जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी तो 164 रनों का लक्ष्य आसान लग रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड को स्टार्टिंग में ही 3 बड़े झटके लग गए। कोलिन मुनरो, मार्टिन गप्टिल और टॉम ब्रूस 3 ओवरों के अंदर ही आउट हो गए। एक समय न्यूजीलैंड का स्कोर 17-3 था, लेकिन इसके बाद टिम साइफर्ट और रॉस टेलर के बीच एक शानदार साझेदारी हुई। 99 रनों की इस साझेदारी के दम पर न्यूजीलैंड ने मैच एक समय भारत के पास से निकाल लिया था और 54 गेंदों में 56 रनों की दरकार थी, लेकिन अंतिम के ओवर्स में साइफर्ट का विकेट मिलने के बाद भारतीय टीम ने शानदार तरीके की यहां पर गेंदबाजी की और आज सभी भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन योगदान दिया। वाशिंगटन सुंदर ने 3 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट झटका। जसप्रीत बुमराह शानदार पहले की तरह 4 ओवर में 1 मैडन 12 रन देकर 3 विकेट झटके। नवदीप सैनी 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट झटके। शार्दुल ठाकुर थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन 2 विकेट उनको भी मिले। युजवेंद्र चहल 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट नहीं झटके। शिवम दुबे का दिन आज था नहीं, 1 ओवर में उन्होंने 34 रन दे दिए, लेकिन भारतीय टीम ने 5-0 से न्यूजीलैंड को रौन दिया। ऐसा पहली बार है क्रिकेट इतिहास में जब किसी टीम ने T20 फॉर्मेट में किसी को 5-0 से हराया हो। अब देखना है कि वनडे और टेस्ट सीरीज में भारत कैसा प्रदर्शन करती है। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।